हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा था एक्सरसाइज 2.3 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। बहुत ही इजी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है देखिए, सॉल्व एंड चेक रिजल्ट्स, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। 8x + 4 = 3 ब्रैकेट के अंदर x - 1 + 7। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले राइट क्या करना है हमें, सॉल्यूशन मैंने पहले ही बोला था, चाहे क्वेश्चन आए या ना आए लेकिन हम सॉल्यूशन राइट कर लेंगे और इक्वेशन को राइट कर लेंगे सेम टू सेम। तो 8x + 4 = 3x - 1 + 7 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि 8x + 4 = 4। अब इस 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग इसके पहले भी देखे थे कि कहीं पर अगर लिखा होता था a ब्रैकेट में b - c मान लीजिए लिखा होगा, तो ये इनके साथ में मल्टीप्लाई किए जाएंगे और ये इनके साथ में, मीन्स ये हो जाएगा ab - ac, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी होगा 3 x - 3 = 3 + 7 मीन्स 8x + 4 = 3x। अब देखिए ये प्लस नहीं, माइनस, प्लस माइनस, माइनस साइन किसका, जो बड़ा होगा। तो ये बताइए 7 ज्यादा होता है 3, तो 7 ज्यादा होता है यानी साइन कौन सा प्लस हो जाएगा, 7 में से 3 गए 4, तो ये हो जाएगा 8x है 8x, ये प्लस 3x है, वेरिएबल को एक साइड करेंगे, प्लस 3x है, इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, -3x = 4 है 4, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। 8 में से 3 माइनस करिए 5 आ गया, मींस 5x = 0 मींस x इक्वल कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, कभी भी अगर 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब चलते हैं रिजल्ट चेक करते हैं, क्या क्या राइट करेंगे हम लोग, चेक रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन राइट कर लेंगे सेम, 8x + 4 = 3x - 1 + 7। अब जहां पर x दिख रहा होगा वहां पर वैल्यू क्या रखनी है हमें, 0 रखनी है। तो क्या लिखेंगे, 8 × 0 + 4 = 3 0 - 1 + 7 मीन्स 8 0 0 हो जाएगा और प्लस 4 = 3 3 0 में से 1 गए, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, मतलब 1 में से 0 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 ही बचेगा। 0 में से 1 घटाओगे तब भी -1 होगा, -1 में से 0 घटाओगे तब भी वही आएगा, और प्लस 7 हो गया मीन्स 4 = आ गया 3 × 3 यानी -3 + 7 मीन्स 4 = 4 आ गया, मीन्स हियर LHS इक्वल RHS, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 7 में देखिए क्या है, क्वेश्चन 7 है x = 4/5 ब्रैकेट के अंदर x + 10। ठीक है, तो राइट क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन राइट करेंगे, है ना। फिर ये हो जाएगा आपका x = 4/5 और ये हो जाएगा x + 10। अब देखिए कभी भी अगर ऐसे दिख रहा हो, अपान में हो, तो जो नीचे होगा वो ऊपर वाले से हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे तो जो नीचे होगा वो ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, x से होगा। अगर इसके नीचे वन होता तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो अब 5 बन जा 5। यहाँ कोई गिनती नहीं, मतलब नंबर नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो 5 बन जा 5x = 4 x + 10। अब देखिए फिर से वही आ गया ना कि ब्रैकेट के बाहर 4 है x + 10, तो क्या हो जाएगा 5x = 4 = 4x और प्लस 4 × 10 = 40, क्योंकि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ होगा, तो इसलिए 4 वन जा 4 एक्स, अब 4 डेना 14, अब 5 एक्स 5 एक्स, ये प्लस 4 एक्स इधर आएगा माइनस 4 एक्स इक्वल ये 14, ठीक है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 एक्स आएगा, मींस एक्स इक्वल 14, अब क्या लिखेंगे, चेक रिजल्ट्स, चेक रिजल्ट, तो रिजल्ट चेक करेंगे क्या करेंगे, इक्वेशन को राइट करना है, x इक्वल 4 बाई 5 और x प्लस 10, x की वैल्यू 14 इक्वल 4 बाई 5, x की वैल्यू 40 और प्लस 10 आ गया, मींस 40 इक्वल 4 बाई 5 और 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, मींस 40 इक्वल 4 बाई 5, या इसको यहीं पे काट देते हैं, इनटू 5 बन जा 5, 5 10 जा 40 और 4 4 जा सॉरी 4 10 जा 40, मींस 40 इक्वल 40 आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत लीजिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2x by 3 plus 1 equal 7x by 15 और plus 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्या राइट करना है, हमें सॉल्यूशन राइट करना है, क्या राइट करना है, सॉल्यूशन, उसके बाद इक्वेशन को सेम लिख लेना, क्वेश्चन आएगा ना आए तो हो जाएगा क्या आपका 2x by 3 plus 1 equal 7x upon 15 और plus 3 हो गया, means अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करना है, नंबर को एक साइड करना है, तो 2x है 2x by 3 है by 3, ये इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना, यहाँ कोई साइन नहीं, means किसका साइन है, प्लस का साइन है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 7x by 15 इक्वल इक्वल 3 है 3 राइट कर लेंगे, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, है ना, ये तो करते हैं जब कोई भी नंबर इधर होता है और अगर इधर प्लस में होगा उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा और उधर माइनस में होगा इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें दोनों में क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए 3 और 15 है ना, एलसीएम लेना है तो क्या करेंगे, 3 से काटते हैं, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 5 बन जा सॉरी 1 हो गया, 5 बन जा 5, 3 5 जा 15, मींस कितना एलसीएम लेंगे हम यहां पे, 15 एलसीएम ले लेंगे, है ना, 15 हो गया, तो 2x into 3 का टेबल पढ़िए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 5 जा 15 minus 7x into, अब 15 का टेबल पढ़िए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 बन जा 15 इक्वल 3 माइनस 1 करिए 2 आ गया, 2 5 जा 10 एक्स और माइनस 7 1 जा 7 एक्स अपॉन 15 इक्वल 2, अब देखिए जान लीजिए अपॉन में क्या है, 1 है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 10 में से रुकिए भी 10 में से 7 माइनस करिए 3 एक्स अपॉन 15 इक्वल 2, क्या हम इसको 3 अपॉन 15 इंटू एक्स भी तो राइट कर सकते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल 2, अब जो नीचे होगा ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर होगा वो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मींस एक्स इक्वल 2 5 जा 10, 10 आ गया। चलिए रिजल्ट चेक करते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, चेक रिजल्ट, ठीक है चेक रिजल्ट, सॉरी चेक रिजल्ट, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन राइट करना हमें 2x by 3 plus 1 equal 7x by 15 और plus 3 हो गया, चलिए 10, अब x की वैल्यू क्या है 10, तो जहां पर x दिखेगा वहां पर 10 राइट करना है, 2 into 10 upon 3 plus 1 equal 7 into 10 अपॉन 15 प्लस 3, 10 टू जा 20 अपॉन 3 और प्लस 1 इक्वल 7 10 जा 70 अपॉन
15 प्लस 3। अब चलते हैं एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 3 एलसीएम ले लिया तो 20। अब इसके नीचे 3 है, 20 इंटू 1 प्लस 3 बन जा 3, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 15 हो गया, 70 इंटू 15 बन जा 15, 1 आ गया प्लस 3 इंटू। अब देखिए यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, कोई नंबर नहीं, मिस 1 है, तो 1 का टेबल कितने टाइम्स पड़ेगी, 15 आएगा, 15 टाइम्स पड़ेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 20 बन जा 20 प्लस 3 अपान 3 इक्वल 70 बन जा 70 प्लस 3 15 3 जा 45 अपान 15, 20 प्लस 3 करिए 23 अपान 3, ये हो गया और ये 5 हो गया और 7 4 11 अपान 15। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हम लोग, 115 अपान 15, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मीन्स क्या आ गया 23 अपान 3 इक्वल 23 अपान 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 9 पर, और क्वेश्चन 9 आपका होमवर्क है, कहीं पे ना समझ में आया तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है आपका 2y प्लस 5 बाई 3, 2y प्लस 5 बाई 3 इक्वल 26 बाई 3 माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन 9 ये, और ये आपका क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही करना है, 3m इक्वल 5m माइनस 8 बाई 5। आपको क्वेश्चन नंबर ये दोनों क्या है आपके, अब आपके ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे, बाकी अब हम लोग कल नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक काम करिएगा उसके पहले कि आप लोग एक्सरसाइज 2.3 को एक बार फिर से अपने आप से अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।